of humankind as the five elements of universe. चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर दो घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान न जला दे। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्टूपिड कॉमन मैन। गलती हमारी है, हम लोग बहुत जल्दी यूज टू हो जाते हैं। एक ऐसा हादसा होता है तो चैनल बदल बदल के सारा माजरा देख लिया, एसएमएस किया, फोन किया, शुक्र मनाया कि हम लोग बच गए, और फिर हम उस सिचुएशन से लड़ने के बजाय उसके साथ एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी भी मजबूरी है ना, हमें घर चलाना होता है साहब, इसीलिए हम सरकार चुनते हैं कि वो मुल्क चलाए। एक आदमी गुनहगार है या नहीं इसको साबित करने के लिए आपको 10 साल लग जाते हैं। आपको नहीं लगता कि ये आपकी काबिलियत पर सवाल है? ये सारा नाटक बंद होना चाहिए। दिस होल ब्लडी सिस्टम इज फ्लॉड। आप जैसे लोग इन कीड़ों का सफाया नहीं करेंगे तो हमें झाड़ू उठानी होगी। लेकिन क्या है, उससे हमारी इस सिविलाइज्ड सोसाइटी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। लेकिन क्या करें, मुझे यकीन है कि जो ट्रेन ब्लास्ट हुए वो सिर्फ एक टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा सवाल था। और वो सवाल ये था कि भाई हम तो तुम्हें इसी तरह मारेंगे, तुम क्या कर लोगे? यस, दे आस्क्ड अस दिस क्वेश्चन ऑन अ फ्राइडे, रिपीटेड इट ऑन ट्यूजडे, आई एम जस्ट रिप्लाइंग ऑन वेडनेसडे। पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल। हमने क्या खोया? स्कूल के 132 मासूम बच्चे। तारीख 11 दिसंबर 2001। कहाँ? यूएसए। हमने क्या खोया? 3000 मासूम जाने। तारीख 26 नवंबर 2008। कहाँ? मुंबई, इंडिया। हमने क्या खोया? 174 लोगों की मौत। तारीख 11 जुलाई 2017। कहाँ? अमरनाथ यात्रा, जम्मू कश्मीर। हमने क्या खोया? आस्था की आजादी। यस यस यस, वी हैव लॉस्ट सो मेनी लाइव्स, बट वी स्टिल हैव द यूथ विद अस। यूथ हु हैव द राइट टू बी होल्ड फॉर द यूनिटी एंड प्रोग्रेस ऑफ द फ्यूचर ईयर। It's time to wake up. It's time to do something. The clock is ticking. And then selfishness, arrogance, hate, injustice, war, pride, kindness, respect, love, and at last, peace. We need to show the true virtue of peace, love. There is hope.
We, the youth, wakes up, save our future, join hands together, for what we want is peace, not war, peace, not war. There's a place in your heart, and I know that it is love. Brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, well, there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space. Aspirations be harmonious. May our minds be in unison. May we strive to reduce disparity. May we bound in a strong fellowship and unity. Sang Chadvam, Sam Vadvam, Sambhomanansi Janatam. दोषों पर विक्ट्री ओवर आवर इंडिविजुअल वाइसेस जय हो जय हो. Yeah.
इंसानियत की राह पे चलो, ना मेरे बाप कोई रहे, सबके लिए जगह दिल में हो। Come on.